हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, दिस इज बिंदास कुड़ी हियर। एंड आज है संडे, तो संडे के दिन हम लोग वैसे ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे। मैं और मोहम्मद ये बाकी सब घूमने फिरने गए हुए हैं एंड बाकी सब बिजी है अपने अपने लाइफ में, तो हमने सोचा कि क्यों ना कहीं चलते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेस है उल्टा पुल्टा, जो कि वास्को में है। फिलहाल मैंने इसको मैप में ही डिस्कवर किया है, तो लेट्स सी कि वहां जाने के बाद अपना क्या एक्सपीरियंस होता है। मोहम्मद का रिएक्शन मोहम्मद के लिए एक सरप्राइज होगा, क्योंकि मैंने उसको अभी तक बताया नहीं है। मैंने उसको इतना ही बोला कि चलो रेडी हो जाओ, चलो चलते हैं, एंड वो वहां पे रेडी हो गया। तो अभी हम लोग वहां पे जाके देखते हैं कि आई होप वहां पे अच्छा हो, एंड वहां क्या टिकट प्राइस है, क्या कहां पड़ता है एग्जैक्टली, वो मैं सब आप सबसे शेयर करूंगी। एंड अगर अच्छा लगा तो मैं रिकमेंड भी करूंगा, अगर नहीं लगा तो वो भी बता दूंगी। तो चलो चलते हैं जल्दी से, वरना लेट हो जाएंगे। अभी बज रहे हैं 5 और बाय 5:36 तो हम वहां पे पहुंच जाना चाहिए। तो चलो चलते हैं। हेयर कलर देख कितना मस्त आ रहा है। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं उल्टा पुल्टा, एंड अंदर क्या है वो हम लोग को भी नहीं पता। एक्चुअली मैंने इसको बताया कि हम लोग बीच में जा रहे हैं और मैं लेके आ गई इसको उल्टा पुल्टा। ये हाईवे किचन के बिल्कुल बाजू में है, मेन वास्को का जो हाईवे पड़ता है। तो ये ऑन दस हाईवे ओनली, हाईवे किचन के बिल्कुल बाजू में, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो कैसा लगा सरप्राइज? मैं लिटरली शॉर्ट्स में आया था, मैं ये सोच रहा था बीच में है भाई। तो चलो अंदर जाके देखते हैं बड़ा पट और क्या है, क्या सीन है, कितनी टिकट है, क्या है। आई विल जस्ट लेट यू नो गाइस, तो चलो चलते हैं। फाइनली गाइज, हम लोग वहाँ पे जाके आ गए, बट ना वहाँ पे अलाउड नहीं था, तो मैं पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ अपने अपने, तो वहाँ पे देख लेना। बट अगर अलाउड होता ना गाइज वीडियोग्राफी, तो मैं पक्का ये जगह है ना रिकमेंड करता यार जाने के लिए, बहुत ज़्यादा मस्त है। यस एक्चुअली इट इज़ रियली गुड, बहुत फन है। अगर वीडियोग्राफी अलाउड होती तो ही सेट बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आए, बट उन लोग को भी अलाउड नहीं था, तो हम लोग को क्या ही अलाउड होता। मैंने इन लोग को बोला भी कि एक्स्ट्रा पैसा लेके भी देना है तो कर दो, बट नो ही सेट उनका ऑलरेडी एक चैनल है, तो शायद इस वजह से वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। बट मज़ा इज़ लाइक फुल टू मज़ा, एंड वहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं वो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है। चार्जेस आर ओनली 250 पर हेड, सो चार्जेस आर ऑल्सो क्वाइट गुड। फोटोग्राफी जिन लोगों को अलग से कराना है तो उसमें सॉफ्ट कॉपीज़ मिलती है, 25 रुपीज़ स्टार्टिंग रेट है उन लोग का, एंड इट किप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर आपको ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो ज़्यादा अमाउंट के साथ में मिल जाएगा, तो विच इज़ रियली गुड एंड आई रियली इन्जॉयड इट। एंड इट्स अ रिकमेंडेड टू यू गाइज टू, कि फोटोज़ तो एकदम बेस्ट आती है। एंड अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग जल्दी से, और एक नई जगह पर मैं जाने का सोच रही हूँ, जहाँ पर हम थोड़ा सा रील वगैरह बना लेंगे, अगर वो अच्छी लगी तो मैं वो भी डालूंगी। तो चलो अभी हम चलते हैं। Instagram, I have 3.6k followers. Okay. So, yeah. I think you may get more. Yeah, yeah. Should be yours.
थैंक यू एंड योर ऑल वन सीरीज बट यू जस्ट ट्राई एंड सी नहीं यार अभी स्पाइसी होता है मुझे ब्रदर Brothers can do like And you have anything to drink like yes. iced tea or something? Iced yes, tea yes, or mojito? Yes. Mojito is here, iced tea also you can go for it. Lemon iced tea. Iced tea is here? Yes, yes. Which lemon. One? Lemon iced tea is here, ginger lemon is here, mint iced tea is here. Mint. Mint? Mint. Okay. Mint piega na? Haan, mint. The powder based side you want, the lighter side you want. You give me your link, I'll also subscribe. Ah, the Nesquik blocks. Yeah. Okay, 4-1-2. Guys, nowadays many bloggers are coming to my shop. Oh, I'm your teacher? Yes. In school? Yes. Okay. Come coaching again. Plus I do this. So, you know. My in school? Is, no. In school? I have Mustafa and I have this thing, what is that? Coaching center. At personal coaching? Yes. Okay. Smart coaching. Okay. So, in Panjin? Yes. You can say in Panjin. But it's my own house. Okay. And 5:30 will be timing. Yes. So, I go there. So, this is also the end. Oh, God. You're okay, anyway. In Panjim, right? Yes, yes. So, yeah, yeah. I'll sit over there. You have a problem with that? No. I'll sit over there. Yes, yes. Nice. You just give me everything details so that I can promote the channel. Okay. In that story, because I have brought up. Ah, then you can. You should. Yeah. तेरा प्रमोशन हो गया है She was really very humble and very sweet. Must try. It's the tasty shop. I will show it to you. Yahan pe, the last corner one. Literally, I am so overwhelmed with the way she spoke and बहुत अच्छा बात किया उसने तो really. She was really kind and humble and very sweet. I must say, must visit. And अभी हम लोग खाना भी देखेंगे कि खाना वाकई में अच्छा है. I have ordered chicken टिक्का रैप एंड चिकन तंदूरी रैप एंड साथ में मैंने मोहितो ऑर्डर किया है. तो आने के बाद मैं मिलती हूँ. तब तक चलो मिलते हैं. अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे देख सकते हो डेल्फिनोस दैट इज सिम्बा एंड हमने वहाँ पे ऑर्डर दिया है. एंड दिस चाय इज टू गुड गाइज, मस्ट ट्राई. नमस्ते चाय एंड डैश इज गेटिंग अ ड्रिंक सो स्वीट. No, I was showing your shop, you know, and oh, yeah. Meanwhile you arrived and I'm like, oh, she's getting it.
सो वहाँ पे पंजाब सिंध है वहाँ पे, दिस इज चार्ट स्ट्रीट, एंड यहाँ पे ना बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं, बट यहाँ पे अभी क्लोजिंग हो चुका है ऑलरेडी, सो आई डोंट नो कि हमें मिलेगा यहाँ पे, तो हमें नहीं मिल पाया, बट ओवरऑल दिस प्लेस इज टू गुड, एंड दिस इज द आइस टी वी ऑर्डर्ड हियर. This one is tikka and this is tandoori. Okay, this is with cheese, no? This is with cheese. Okay, fine. Cheese is... Thank you. Iced tea kaisi hai? Badiya? Strong? Mast hai. Matlab thodi haan strong hai. Hmm. Ye meri wali hai na? Hmm. So this is chicken, tikka with cheese. Hmm. To iski costing around 130 rupees. चीजी और चटपटा दोनों साथ में जो फ्लेवर होता है ना मिक्स है एकदम, और ऑनियन भी ज्यादा है इसमें. सो इसको ट्राई करके बताते हैं. चिकन बहुत जूसी है एंड इसमें जो ऑनियन है वो बहुत अच्छा क्रिस्प दे रहे हैं. इस पे टमाटो है, देन इस पे चटनी इन लोगों ने अलग से डाली हुई है, एंड दिस टमाटो सॉस. चीज का ओवरलोड टेस्ट है, इस टाइप मुंह में जाते ही मेल्ट हो जा रहा है. सो इट्स टू गुड, दिस रैप इज रियली गुड. रेटिंग आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8.5, क्योंकि ये स्पाइसी साइड नहीं है, तो जो लोग स्पाइसी पसंद नहीं करते ये उनके लिए, मैंने अपने लिए स्पाइसी मंगवाया तो वो ट्राई करके बताते. लेट्स ट्राई दिस आइस टी. अच्छा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मुझे चाहिए था वैसे. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट आइस टी, बट इसका जो स्वीटनेस है एंड इसकी जो स्ट्रॉन्ग मिंट का जो फ्लेवर है, आई एम लविंग दिस. चीयर्स. भी हम नाउ आई एम ट्राइंग. यार क्या शो रहे हैं. सो नाउ आई एम ट्राइंग चिकन तंदूरी रैप. सो ये ट्राई करके देखते हैं. दिस इज़ ऑन द स्पाइसेस साइड. इसमें इन लोगों ने हरी चटनी डाली है. आई थिंक दिस इज़ द हरी चटनी पेस्ट जो स्पाइसी होगा. लेट्स सी. ओह वाओ, ग्रीन चिली पेस्ट है इसमें, जो सुपर लेवल का स्पाइसी टेस्ट है. जिन लोगों को स्पाइसी पसंद है कैन गो फॉर दैट. एंड इसका प्राइस है कुछ 99 रुपीस. सो ऑल वर्थ इट एंड इट्स रियली गुड. चिकन इज सुपर जूसी गाइस. चिकन इज लाइक टू गुड. टू गुड. दिस वन आई लव मोर. दिस वन आई लव मोर क्योंकि इसमें स्पाइसीनेस. I am a person who loves chatpata and all the spicy. Must try guys, must try. So how much would you rate this? 9.5. Really good one. इससे ज़्यादा अच्छा है मुझे यह लगा, honestly. Spicy है. ये ना स्पाइसी मतलब है, बट थोड़ा टैंगी साइड है. हाँ ये थोड़ा स्पाइसी है. मुझे स्पाइसी ज़्यादा होता नहीं, बट दिस इज एक्चुअली चटपटा, मतलब स्पाइसी नहीं है, चटपटा है. एंड ऑनियंस का जो क्रिस्प है वो बहुत सही है उसके अंदर. सो मेरी रेटिंग पता है इसमें 9.9 है आउट ऑफ 10. सीधा 10 दे देता 9.9, 99.9% जंप्स. That 0.1. It's too good. वैसे they had more dishes to try, but मेरा पेट इतना फुल है क्योंकि मैंने दोपहर में लंच बहुत लेट किया था. आई वोक अप रियली लेट एंड मेरा पेट उसके वजह से बहुत फुल था. एंड आई हैड किंग फिश थाली विथ स्क्विड बटरफ्लाई, जो मैं ब्लॉग में नहीं डाल पाई क्योंकि आई वॉज रियली हंग्री एंड मुझे खा के जल्दी निकलना था, सो दैट उल्टा पुल्टा प्लेस में हम लेट ना हो जाते. बट गाइज मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पता है कहाँ लगा, कि हम लोग उल्टा पुल्टा गए. आई आस्ट हिम ऑल्सो कि मैं एक्स्ट्रा पे करके भी मैं दे सकती हूँ, तो वो ही सेड नो अलाउड नहीं है. तो
यार ब्लॉगर्स की लाइफस्टाइल बहुत टफ होती है बिकॉज वो लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है परमिशन वगैरह सीरियसली. और ही सेड कि उनका एक चैनल है उसमें देख सकते हैं उल्टा पुल्टा. मेजॉरिटी उन लोग का एक सीक्रेट रहता है एंड बहुत से ब्लॉगर्स ना वो लोग बिना एडिट के ही डाल देते हैं विच इज़ उनके लिए थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाता है. सो ही सेड बिकॉज ऑफ हिज प्राइवेसी रीजंस ही कैन नॉट अलाउ अस टू टेक वीडियो बट वी कैन टेक इनफाइनाइट पिक्चर्स जितने चाहिए पिक्चर्स एंड दे डोंट से नो टू लाइक द नंबर ऑफ टाइम्स वी आस्क देम. जैसे कि अब हम लोग को चाहिए 10 पिक्चर्स 15 पिक्चर्स एक ही जगह पे दे विल लाइक ओके मैम यस विल डू इट. एंड इनफैक्ट ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ अंदर क्या लगी वहाँ पे कि दे आर सजेस्टिंग यू द पोजेस. बहुत से लोग होते हैं ना हम लोग अंदर जाके क्या पोज करेंगे हमको नहीं समझ में आता है तो उनके लिए ही बेस्ट है क्योंकि वो लोग खुद से बोलते मैडम आप ऐसे पोस्ट करो ऐसे करो ऐसे करो. एंड वहाँ पे जाते ही ना सबसे अच्छा रिस्पांस पता है कहाँ आया देवर लाइक देवर वेरी काइंड देवर लाइक हाँ काइंड एंड फ्रेंडली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे वो लोग अच्छे से. वो लोगों ने बोला इनफैक्ट दे इवन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल देर लाइक आप यूट्यूबर हो ना आपका सब्सक्राइब के लिए चैनल कौन सा है एंड दे इवन फॉलोड एंड ऑन इंस्टा एज वेल. तो इट वॉज अ रियली गुड थिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला वहाँ पे. आई रियली लव्ड इट. ओनली मुझे थोड़ा सा ये लगा कि काश वो वहाँ पे वीडियो शूट करने देते तो थोड़ा मज़ा आ जाता. सो ये एक डिसअपॉइंटिंग था बट कोई नहीं चलो आगे और भी प्लान्स हैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने के हैं. सो लेट्स सी मोहम्मद बट मोहम्मद ने इन्जॉय ज़्यादा किया है ना राजा. सो सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय हुआ है वो मोहम्मद ने किया. ही रियली इन्जॉयड इट. ही रियली इन्जॉयड इट. बात थी ना वो रिस्पॉन्स की यहाँ से भी बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिला एक्चुअली. एंड हमें म्यूजियम से भी बहुत अच्छा प्यारा रिस्पॉन्स मिला. मतलब अगर ऐसे रिस्पॉन्स मिलता है ना तो अंदर ही अंदर म्यूजियम था ना वो उल्टा पुल्टा तो ऐसे अंदर ही अंदर बहुत मोटिवेशनल फील होता है. मतलब तुझे प्राउड फील हुआ होगा ना तेरी बहन से. सीरियसली हर कोई ना तुम्हारी बहन यूट्यूबर है तुम्हारी बहन यूट्यूबर है. सो दैट वॉज अ रियली. अभी तक तो हम उस ऊंचे लेवल पे पहुंचे नहीं है एंड कभी घमंड नहीं करना चाहिए बट जो रिस्पॉन्स और जो प्यार मिलता है ना दैट इज़ लाइक मोटिवेटर्स यू नो. हम लोग को और अंदर से मोटिवेशन होता है कि हाँ यार वरना पता है कैसा होता है पब्लिक के सामने हम लोग जब वीडियो शूट करते हैं तो उनके ऐसे रिएक्शन होते हैं अरे ये क्या हो रहा है अरे ये क्या कर रहे हैं अरे ये इनको शर्म नहीं है. बट पता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें वो वीडियो शूट करना पड़ता है एंड जब रिस्पॉन्स कम आता है ना तो अरे यार इतना एम्बेरसिंग सा फील होता है पता है इतना लो फील होता है वो आवाज़ मत इतना लो फील होता है इतना एम्बेरसिंग होता है. बट जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना सामने से तो एक ऐसा एनकरेजमेंट मिलता है जो हम कर रहे हैं ना जगह बन जाती है. हाँ जो हम कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे से जा रहे हैं. तो आज का मैं बोलूँगी कि आज ना थोड़ा सा वीडियो ना मिल पाना मुझे वो एक चीज़ बहुत ये हुआ कि अरे यार हम मेन तो यूट्यूब के लिए ही गए थे बट जो अंदर जाके जो एक्सपीरियंस मिला ना उसने ये तक बोला मैं आपको चोरी से बना देता हूँ पर मेरा नाम मत लेना बट देन आई लाइक नहीं यार वो वीडियो कहीं ना कहीं वो जाएगी और वो फिर उसकी जॉब खतरे में आ सकती है. तो इतना बड़ा रिस्क लेना इज़ नॉट गुड. जब अलाउड नहीं है तो नहीं है कोई रीज़न होगा ना उसके पीछे. सो दैट्स इट. देयर इज दिस प्लेस इज़ अ मस्ट ट्राई ये डेल्फिनोज मार्केट में एंड प्लेस का नाम है द टेस्टी कैफे पोनापति विच इज़ नेक्स्ट टू नमस्ते चाय एंड आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. या प्राइसिंग इज़ ऑल्सो गुड. एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम 50 to 99, 90, 130. सो आई रियली लव इट. अगर पेट में जगह होती ना तो आई वुड हैव समथिंग मोर ऑल्सो लाइक बर्गर पिज्ज़ा. द टेस्ट इज़ रियली गुड मस्ट ट्राई एंड स्पेशली दिस. वो टैंगी सा फ्लेवर है ये स्पाइसी है. सो येस नो स्पॉन्सर हो यहाँ पर कोई स्पॉन्सर इन्वॉल्व नहीं है. जो भी निकल रहा है दिल से निकल रहा है क्योंकि वो अच्छा था. बच्चों के लिए जिन लोग को लगता है ना बच्चों को लेके कहाँ जाए तो दिस प्लेस इज़ गुड. अच्छा वन टाइम प्लेस तो अच्छा है जाओ मज़े करो इन्जॉय करो वेरी गुड बस गुड. तो आज का डे बहुत अच्छा रहा. आज के दिन हमने बहुत कुछ फन किया. यस इट वाज अ ग्रेट सक्सेस. और देखेंगे अभी नेक्स्ट और क्या प्लान है. वो लॉकडाउन अगर ना लगे फिलहाल यहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है तो अभी हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ नॉर्थ साइड में फिलहाल एंड यहाँ से पहुँचते 11 तो बज ही जाएंगे. अभी बज रहे 9:30 तो जल्दी से चलेंगे नहीं तो हम लोग ना फिर कर्फ्यू में दंडे खाते बैठेंगे हाईवे पे ही. होगा तो नहीं बट या और
सेफ्टी ऑल्सो इज अ मस्ट एंड लॉकडाउन ना लगे प्रे करो गाइज एंड मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हम लोग सिर्फ वीडियो के टाइम पे अपना जो भी मास्क वगैरह है वो उतारते हैं बट इनसाइड वी टेक अ प्रिकॉशंस लाइक सैनिटाइज करना एंड एवरीथिंग वी टेक अ प्रिकॉशंस. सो ऑल्सो गाइज हम लोग मास्क वास पहन के एग्जैक्टली तो जब तक जरूरत ना हो तब तक मास्क मत उतारो एंड टेक योर प्रिकॉशंस क्योंकि अगर हम लोग सेफ्टी रखेंगे हमारी तरफ से तो फिर हम लोग को लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लॉकडाउन रखना कोई बड़ी बात नहीं है बट उससे हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट कर रही है एंड इतने टाइम तक अभी ये तीसरा साल है अगर और एक साल हो गया ना तो कोरोना अपना ग्रेजुएट होके निकल जाएगा. उसने MBA की डिग्री हासिल कर लेनी है. यस तो यस अपनी सेफ्टी अपने हाथों में और अपना ख्याल रखो एंड अपने फैमिली का भी. मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में. चलो चलते हैं. बाय बाय. सी यू गाइस. बाय बाय.